गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ अक्षय शर्मा, वेलकम टू अधारशिला ई लर्निंग क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिक्स एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर थर्ड पार्ट फोर्थ। आइए तो स्टार्ट करते हैं। ए बिल्डिंग दैट वर फाउंड, एक बिल्डिंग्स मिली है आर्कोलॉजिस्ट को, ठीक है, दैट वर फाउंड वाज प्रोबेबली ए वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स। और क्या था वहाँ पे? एक वर्कशॉप थी बिल्डिंग के आसपास, होगी बिल्डिंग में वर्कशॉप है किसकी? मेकिंग बीड्स, बीड्स बनाने की, है ना, मोती बनाने की। पीसेस ऑफ स्टोन, कुछ वहाँ पे स्टोन के पीसेस मिले हैं। हाफ मेड बीड्स, कुछ बीड्स ऐसे थे जो कंप्लीट नहीं हुए थे, मतलब हाफ थे, यानी आधे बने हुए थे, वो मिले हैं। टूल्स फॉर बीड्स मेकिंग, और कुछ टूल्स मिले हैं जिनसे बीड्स बनाए जाते थे, है ना। एंड फिनिश्ड बीड्स हैव ऑल बीन फाउंड हेयर, और कुछ ऐसे बीड्स मिले हैं जो फिनिश मतलब कंप्लीट हो गए थे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। सील एंड सीलिंग, सील के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, यानी सील क्या होता है, स्टैम्प होती है एक तरह की, पहले दिखाई थी ना पिक्चर्स में। और सीलिंग, सीलिंग के बारे में आइए देख लेते हैं। सील में हैव बीन यूज्ड, सील को यूज़ किया जाता है किस पे? बैग्स और पैकेट्स पे, कंटेनिंग गुड्स, जिस पैकेट और बैग्स में कंटेनिंग गुड्स सामान इकट्ठा रहता है उसके ऊपर यूज़ किया जाता है सील को, ठीक है। दैट वर सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और उसे हमें किसी एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, ठीक है। एक ऐसा बैग जिसके अंदर सामान है और हमें उसे एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, उसमें हम सील का यूज़ करते हैं। यूज़ क्या है वो अभी आगे बता देंगे। आफ्टर ए बैग वाज क्लोज्ड और टाइट, जब हम उस बैग को क्लोज करते हैं या टाइट करते हैं, बंद करते हैं या बांधते हैं, ए लेयर ऑफ वेट क्ले वाज अप्लाइड ऑन द नॉट, तो हम उसके नॉट पर जो है क्ले लगा देते हैं थोड़ी सी, ठीक है। हमने उसे बैग को बंद किया, गार्ड बांधी उस पर नॉट की, और उसके बाद क्ले लगा दी उस पर, ठीक। एंड द सील वाज प्रेस्ड ऑन, और उस क्ले के ऊपर हम सील को प्रेस कर देते हैं, लगा देते हैं, ठीक। द इम्प्रेशन ऑफ सील इज नो एज सीलिंग, उस सील के इम्प्रेशन को हम क्या कहते हैं? सीलिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे इस क्ले के ऊपर सीलिंग लगी हुई, सील लगी हुई है, ठीक है, जो हमने स्टैम्प देखी थी वो लगी हुई है इसके ऊपर पहले से, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? हम सीलिंग कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। इफ़ द सीलिंग वॉज इंटैक्ट, अब इस सीलिंग का बेनिफिट क्या है देखो। वन कुड बी श्योर दैट द गुड्स हैव अराइव्ड सेफली, किसी भी सामान के ऊपर हमने नोट के ऊपर क्ले लगाई, फिर स्टैम्प लगा दिया, ठीक है, और फिर अपनी स्टैम्प लगा दी, जब वो सामान दूसरी जगह पहुंच जाएगा पोस्ट होके, अगर उसकी क्ले सही है, उस पर स्टैम्प लगी हुई, तो इसका मतलब वो सेफली हमारे पास पहुँच गया है। अगर वो क्ले नहीं है उस पर, तो इसका मतलब वो खोला गया है पैकेट, ठीक है, तो इसका बेनिफिट है सील का। आइए आगे देखते हैं। द माइस्ट्री ऑफ द एंड, अब हम हड़प्पा माइस्ट्री या सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि उसका एंड कैसे हुआ था, ठीक है। अराउंड 3900 ईयर्स अगो, आज से 3900 ईयर्स अगो, वी फाइंड द बिगनिंग ऑफ मेजर चेंज, बहुत बड़ा चेंजेस स्टार्ट हुआ, क्या? पीपल स्टॉप लिविंग इन द मैनी ऑफ द सिटी, कि सिटी के लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, स्टॉप लिविंग मतलब सिटी को छोड़ना शुरू कर दिया, वहाँ से वहाँ पर रहना जो है बंद कर दिया उन्होंने धीरे धीरे। राइटिंग सील्स एंड वेट वर नो लॉन्गर यूज, और उन्होंने राइटिंग सील और वेट का यूज़ करना भी धीरे धीरे बंद कर दिया। रॉ मटेरियल ब्रॉट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस बिकम रेयर, और उन्होंने जो है रॉ मटेरियल जो वो लेके आते थे दूसरी जगह से, वो भी उन्होंने धीरे धीरे एक तरह से बंद कर दिया रॉ मटेरियल लाना। इन मोहनजोदारो, मोहनजोदारो में वी फाइंड द गार्बेज पिल्ड अप ऑन द स्ट्रीट, क्या मिली है? गार्बेज मिली है स्ट्रीट पर, सड़कों पर मतलब गार्बेज कलेक्ट हो गई। द ड्रेनेज सिस्टम ब्रॉक डाउन, और वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम जो था वो भी मतलब एक तरह से ख़त्म हो गया, टूट गया, पानी जो निकलता था सिटी से बाहर वो भी बंद हो गया। एंड न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउस वर बुल्ट इवन ओवर द स्ट्रीट, और वहाँ के लोगों ने क्या किया, इम्प्रेसिव हाउस जो बनाते थे, वो बिल्डिंग्स बनाते थे सिटी के अंदर, वो भी उन्होंने बंद कर दी, वो कहीं आसपास विलेज में जाके रहने लगे, ठीक है। नेक्स्ट पैरा, व्हाई डिड ऑल दिस हैपन, ये क्या कह रहा है कि ये सब मतलब क्यों हुआ ये चीज़ें, उसका बता रहे हैं आगे। वी आर नॉट श्योर, इसके लिए श्योर नहीं है, सम स्कॉलर सजेस्ट, बहुत सारे स्कॉलर्स ने जो होते हैं उन्होंने सजेस्ट किया है, बट वो भी क्या है, श्योर नहीं है कि यही हुआ होगा कन्फर्म। वो क्या कहते हैं, दैट द रिवर ड्राइड अप, वो कह रहे हैं शायद लोगों ने इसलिए वहाँ से चले गए होंगे कि रिवर जो है ड्राइड अप मतलब सूख गया होगा, वहाँ पानी नहीं बचा होगा।
अदर सजेस्ट दैट देयर वाज डिफॉरेस्टेशन. कुछ क्या कहते हैं स्कॉलर कि वहाँ पर जो है डिफॉरेस्टेशन हो गया होगा, मतलब डिफॉरेस्टेशन ट्री प्लांट्स मतलब ये चीज़ें ख़त्म हो गई होंगी इसलिए लोग वहाँ से चले गए होंगे. दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स. वो कह रहे हैं क्योंकि ब्रिक्स को बेक करने के लिए एक तरह से पकाने के लिए एंड स्मेल्टिंग कॉपर ऑर्स, और इस कॉपर को कोई भी शेप स्मेल्टिंग करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, फ्यूल की ज़रूरत होती है. फ्यूल कहाँ से आता है, फॉरेस्ट से, और वहाँ पर क्या हो गया होगा, शायद डिफॉरेस्टेशन हो गया हो, मतलब फ्यूल एक तरह से ख़त्म हो गया होगा इसलिए लोगों ने क्या किया वहाँ से छोड़ दिया वो एरिया. बिसाइड ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल शीप एंड गोट में हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर. वो कह रहे हैं कि वहाँ से जो है शीप कैटल गोट जिनको वो लोग पालते थे वो भी क्या एक तरह से ख़त्म हो गए थे. क्यों, क्योंकि वहाँ पे ग्रीन एरिया बचा ही नहीं था होगा तो इसलिए वो भी यहाँ से एक तरह से डिस्ट्रॉय हो गए थे. इन सम एरियाज, कुछ एरियाज में वर फ्लॉड, फ्लोड आ गई होगी, बाढ़ आ गई होगी एक तरह से. बट नन ऑफ दीज रीज़न कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटी. वो कह रहे हैं कि ये जो रीज़न है ये मतलब एक तरह से कन्फर्म नहीं है, या हम लोग सोचते हैं कि शायद इस तरह से एंड हुआ होगा उन सिटी का, है ना. लेकिन वो भी सब सिटीज़ के बारे में नहीं कह सकते हैं, भी ऑल द सिटी लिखा है ना कि सब सिटी का एंड शायद ऐसे हुआ होगा. फ्लोडिंग और ए रिवर ड्राइड अप वुड हैव हैड टू इफेक्ट इन ओनली सम एरिया. वो कह रहे हैं क्योंकि रिवर अगर ड्राइड अप होती है, सूखती है एक तरह से, तो वो भी कुछ एरिया में सूखती है ना. पानी अगर ख़त्म होता है तो ये ऐसा तो नहीं है कि पूरी कंट्री में एक साथ हो जाएगा, कुछ एरिया में होता है पानी भी, है ना. तो वो कह रहे हैं ये रीज़न हुए होंगे शायद कि जिसकी वजह से उस टाइम की जो सिटी थी वो मतलब माइस्टी ऑफ द एंड एंड हो गया था उनका. आइए नेक्स्ट पैरा देखते हैं. इट अपीयर्स एज इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल. और क्या रीज़न बता रहे हैं वो, कि शायद वहाँ के जो रूलर्स थे उनका कंट्रोल लॉस्ट मतलब एक तरह से छूट गया होगा पब्लिक पर से. आप देखते हैं ना, अब सीएम है, उसका कंट्रोल है पूरी कंट्री स्टेट पर, ऐसे जो उस टाइम के रूलर्स थे जो उनका एरिया था वो कंट्रोल से बाहर हो गया था उनसे. इन एनी केस, कुछ केस में द इफेक्ट ऑफ द चेंजेस आर क्वाइट क्लियर. वो कह रहे होंगे कि जो भी चेंजेस हुआ होगा शायद उस समय हुआ होगा उसके बारे में मतलब वो भी क्लियर नहीं है एक तरह से, है ना, कि जो भी चेंजेस हुआ वो मतलब सभी जगह दिखाई दिया होगा उन लोगों को. साइट्स इन सिंध, साइट प्लेस को कहते हैं सिंध एंड वेस्ट पंजाब प्रेजेंट पाकिस्तान. सिंध और वेस्ट पंजाब जो इस समय पाकिस्तान में है वर अबेंडेंड. क्या हुआ होगा उसमें, अबेंडेंड मतलब वहाँ की जो एक तरह से पब्लिक है वो सब चली गई होगी, उजड़ गई होगी. अबेंडेंड कहते हैं एक तरह से उजड़ने को. वन मैनी पीपल मूव इन नेवर. वहाँ के लोग क्या 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 होगा, उन्होंने मूव कर दिया होगा. नेवर मतलब कहीं भी आसपास, जैसे स्मॉलर सेटलमेंट टू ईस्ट एंड साउथ. वो कह रहे हैं शायद ईस्ट या साउथ में वो लोग वहाँ से चले गए होंगे. आई नेक्स्ट देखते हैं. न्यू सिटी इमर्ज अबाउट 1400 ईयर्स. वो कह रहे हैं उसके बाद न्यू सिटी डेवलप हुई धीरे धीरे, कब, 1400 ईयर्स लेटर, उसके 1400 साल बाद. यू विल रीड अबाउट देम इन चैप्टर 5 और 8. उसके बारे में हम कब पढ़ेंगे, चैप्टर 5 और 8 में. आइए नीचे का देख लेते हैं थोड़ा सा. एल्सवेयर फाइंड इजिप्ट इन योर एटलस. एटलस को फाइंड करना है अपने, वो सॉरी इजिप्ट को फाइंड करना है एटलस में. मोस्ट ऑफ इजिप्ट इज ड्राई डिजर्ट एक्सेप्ट फॉर द लैंड्स अलॉन्ग द रिवर नील. वो कह रहे हैं रिवर नील को छोड़कर जो आसपास के इलाके होंगे वो कैसे थे, वहाँ के ड्राई थे, मतलब ड्राई डिजर्ट रेगिस्तानी थे, सूखे थे. अराउंड 5000 ईयर्स अगो, 5000 साल पहले किंग रूल्ड ओवर इजिप्ट. क्या किया था, आज से 5000 साल पहले क्या हुआ, किंग रूल्ड ओवर इजिप्ट. इजिप्ट के रूलर्स ने दिस किंग सेंट आर्मीज टू डिस्टेंट लैंड. अपनी आर्मी को कहाँ भेजा, डिस्टेंट लैंड, कहीं दूर भेजा, किस लिए, टू गेट गोल्ड सिल्वर इवरी टिम्बर्स एंड प्रीसेस स्टोन के लिए. ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपनी आर्मी को दूर जगह पे भेजा. गोल्ड सिल्वर इवरी कहते हैं एलिफेंट के टीथ को, है ना, टिम्बर लकड़ी को कहते हैं, उसके लिए भेजा उन्होंने. दे ऑल्सो बुल्ट ह्यू टॉम्ब्स नो एज पिरामिड्स. और उन्होंने वहाँ पर क्या किया, बहुत बड़े बड़े टॉम्ब्स बनवाए, एक तरह से मकबरे बनवाए, जिन्हें वो क्या कहते थे, पिरामिड कहते थे, जो ये बने हुए हैं पिक्चर्स में. ठीक है, व्हेन दे डाइड द बॉडीज ऑफ किंग, जब राजा डाइड मतलब मर जाते थे वहाँ के, तो उनकी बॉडीज को वर प्रिजर्व एंड बरीड इन दिस पिरामिड.
इस पिरामिड में क्या कराया जाता था, प्रिजर्व, मतलब एक तरह से दफनाया जाता था। दीज केयरफुली प्रिजर्व बॉडीज आर नो एज ममीज, उनकी बॉडीज़ को क्या कहते थे, ममीज़ कहते हैं, है ना, डेड बॉडी को। ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वर आल्सो बरीड विद देम, वो कह रहे हैं कि जो एक तरह से उनकी डेड बॉडी थी उसके साथ वो बहुत सारे बरेड के साथ, मतलब और भी चीज़ें दबाया करते थे कब्र में। आपने पहले भी देखा है ना, एक डेड बॉडी के साथ एनिमल्स दबे हुए हैं, सेम कंडीशन यहाँ पे है। दिस इंक्लूड फूड, जैसे उनके खाने का सामान, ड्रिंक, क्लॉथ, ऑर्नामेंट, अंटसेल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वीपन्स एंड एनिमल्स, ये चीज़ें उनके साथ मतलब एक तरह से दबा दी जाती थी, ठीक है। अंटिल्स कहते हैं बर्तनों को, एक तरह से पॉट्स को। समटाइम्स इवन सर्विंग, कभी कभी वो कह रहे हैं, सर्विंग कहते हैं जो सेवा करते हैं। मैन एंड वुमेन वर बरेड विद द रूलर्स, जो सेवा करने वाले मैन वुमेन होते थे उन्हें भी वो लोग कब्र में साथ दबा देते थे राजा के। दीज आर अमंग्स द मोस्ट इलेबोरेट बरेल नो इज वर्ल्ड हिस्ट्री, कह रहे हैं ये जो है मतलब एक तरह से इजिप्ट में सबसे ज़्यादा काम हुआ है इस तरह का, जो कब्र थी उसके साथ दबाना, है ना, सर्विंग मैन वुमेन को भी दबाना, और सबसे ज़्यादा वहाँ पे लोग जो है मतलब एक तरह से खर्च करते थे इनमें बरेड बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट, अब चैप्टर कंप्लीट हो गया, आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।